Welcome back to another video. आज day 15 है और बहुत ही ज़्यादा ठंड है. अभी मैं भी घंटे दो घंटे बाद सही हो जाए, but क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है इसलिए आज सिर्फ walk करूँगा, running वगैरह नहीं. तो मौसम की एकदम transition हो रही है, तो उसके अंदर जितने भी आप एहतियात कर सकते हो बेहतर है. सो सब कुछ बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है अभी तक, डे स्किप नहीं हो रहे हैं और बाकी पोर्शन पे भी कंट्रोल हो गया. थोड़ा सा और टाइम लगेगा. Everything will be fine. इसके अलावा यही अपडेट्स हैं कि और हाँ, वेट रिड्यूस हो गया. अब मेरा वेट तकरीबन 80 के जी हो चुका है. 82.5 से स्टार्ट किया था और 15 दिनों में, क्योंकि मैंने पहले 5 दिन नॉर्मल डाइट रखी और फिर उसके बाद चीज़ एलिमिनेट करना शुरू कर दी. एनीवेज फर्दर अपडेट्स आती रहेंगी. स्टे ट्यून्ड, बहुत मज़े का सीन है. ठंड भी है, सूरज भी देख निकल आया और अपर भी पहन लिया. स्टे ट्यून्ड, फर्दर अपडेट्स मिलती रहेंगी. एंजॉय. इतनी प्यारी जगह से सूरज निकला है तो अंग्रेज जी इस चीज़ का पता भी नहीं था कि ये लोकेशन थी और एग्जैक्ट एक रास्ता वो बिल्कुल उसके सेंटर में है सूरज निकला हुआ है. सो फ्रेंड्स, हाफ वे पॉइंट आ चुका है और तो अब मैं वापस जा रहा हूँ. आज सिर्फ वॉक किया है, कोई रनिंग कोई जॉगिंग कुछ नहीं किया है क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा. और आज यहाँ पे जो छलियाँ लगी हुई थी आज उनकी फसल काटी जा रही है. जिस आवाज़ आ रही है उसमें मशीन की आवाज़ आ रही है
और मैं आपको दिखा सकूं, ये ठीक है। तो साइड से काट लिया इन्होंने और ये साइड अभी रहती है। गरम रेत छिली, बाकी मैं आपको फर्दर अपडेट्स देता रहूँगा। स्टे ट्यून, हैव फन। फ्रेंड्स 4 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं, घर पहुँचे पहुँचे 5 किलोमीटर हो जाएंगे कंप्लीट। और नो जॉगिंग, नो रनिंग, सिर्फ वॉक की आज, सिर्फ ठंड की वजह से। और या फर्दर अपडेट्स दूंगा घर पहुँच के। स्टे ट्यून्ड। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर कंप्लीट होने वाला है और आज का टारगेट 5 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगा जस्ट 3-4 मिनट्स में। सुपर फ्रेश, सुपर रिलैक्स, बहुत मज़े का सीन था ओवरऑल। और ठंड भी होगी स्टार्ट, बाकी कल इंशाल्लाह फिर तुम्हारा मुलाकात होगी आप सबसे।